मैं हुसानिया एदीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई में चोरी की वारदात बहुत बढ़ गई है। जैसे जैसे लोग अपडेट हो रहे हैं, वैसे ही चोरों की चोरियां करने का तरीका भी अपडेट हो गया है। एक सर्वे के मुताबिक अब पुलिस स्टेशनों में पर्स या पैसा चोरी होने का मामला इतना नहीं है जितना मोबाइल और एटीएम कार्ड चोरी होने का मामला दर्ज है। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय चोर गैंग है। इन चोरों के पास से 650 मोबाइल जब्त किए गए हैं। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा टीम ने आसाम, त्रिपुरा सहित आसपास के जगहों से इस गिरोह को पकड़ा है। पुलिस उपायुक्त संग्राम सिंह निशानदार ने अपनी पूरी टीम के साथ कई दिनों तक मेहनत की और इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को पकड़ा। 650 मोबाइल फोन में से 54 मोबाइल शिकायतकर्ताओं को वापस लौटा दिए गए हैं। तो क्राइम ब्रांच यूनिट 6 की टीम के हमारे कांस्टेबल है कोड़ेकर, उनको इन्फॉर्मेशन टिप मिली थी। उनके आधार पर हमने 2 महीने पहले ट्रॉम्बे के एरिया से हमने रेड डालकर कुछ मोबाइल जब्त किए थे। उसके बाद इंट्रोगेशन करके जो वहाँ पर हमको अक्यूज मिले, उनके आधार पर जो इंट्रोगेशन करने के बाद उसमें से 2 महीना हम वर्कआउट करके 650 मोबाइल के करीब हमने उसमें जब्त किए। उसकी लगभग कीमत 1 करोड़ रुपए है और उसमें कम से कम 13 आरोपी अक्यूज हमने अरेस्ट किए हैं। और उसमें से जो अक्यूज है वो यहाँ के बम्बई के साउथ बम्बई के, और उसके बाद यूपी से और त्रिपुरा से भी हमने एक अक्यूज को अरेस्ट किया है। और उनकी जो चैन है, उनकी जो पूरी गैंग है, नीचे से रोड पे मोबाइल चोरी करने से लेकर जो मेन अक्यूज है वो बाहर बांग्लादेश में पास ऑन करता है, उन सबको हमने अरेस्ट किया है। अभी जो मोबाइल हमने ताबे में लिए थे तो वो तकरारदार को परत देने के लिए हमने माननीय न्यायालय से परमिशन लिया और तकरारदार इनको ज़्यादा परेशानी न होते हमने खुद होके हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर PSI राणे खुद माननीय न्यायालय में जाके कुछ टेक्निकल बातें उन पर चर्चा की, लॉयर हमारे सरकारी अभियोक्ता है उनसे चर्चा की और उनके परमिशन में हमने इजी तरीके से हमने तकरारदार इनको आज कम से कम 54 मोबाइल आज हमने मूल तकरारदार इनको वापस किया है। हम यही आह्वान करेंगे कि अभी बम्बई भीड़ भाड़ शहर है, ट्रैवलिंग में बहुत भीड़ होती है, तो इनका फायदा लेते हुए रास्ते पे रिक्शा में, बस में, लोकल में वो उस टाइम जब जाते हैं तब अपना मोबाइल की तरफ ध्यान रखिए, क्योंकि ये हर जगह पर मोबाइल चोरी करने और कोई इजी एक्सेस तरीका है और उसमें उनको फ़ायदा भी ज़्यादा है। तो इसलिए अपना मोबाइल ट्रैवलिंग करते समय अपने ठीक तरह से अपने इसमें जेब में रखे और आजू बाजू में ध्यान रखे कि कोई ऐसी गैंग आजू बाजू में ऑपरेट होगी तो आजू बाजू के लोगों को भी अवेयरनेस करें। एक्चुअली मेरा 3 मोबाइल गुम हो गया था, तो 2 बार मैंने कंप्लेंट किया था, तो दूसरी बार मैंने कंप्लेंट किया था भी कुछ एक्शन नहीं हुआ था। मेरे को लगा ये टाइम पे भी मोबाइल मेरा गया था तो उस कंप्लेंट किया था, बट मेरे को पता नहीं था कि इतना पुलिस ये करेंगे, मोबाइल मिलने के लिए दक्ष हो जाएंगे। बट थोड़े दिन के बाद मेरे को चेंबूर शाखा से कॉल आया था, उन्होंने बोला कि आपका मोबाइल मिल गया करके, क्योंकि ये मोबाइल मेरे को किसने गिफ्ट दिया था, इसके लिए मेरे को बहुत प्यारा था, वो चले या ना चले उसका बात अलग है, पर मोबाइल मिला ये इसके लिए बहुत बहुत ये गुना प्रकटीकरण शाखा क्रमांक 6 का बहुत आभार है। थैंक यू। मुंबई पुलिस का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुंबई पुलिस का कि इन्होंने हमें हमारा मोबाइल जो गुम गया था उन्हें ढूंढने में इन्होंने काफ़ी मदद की और ढूंढ के दिया है हमें।